तुमने ऐसा हिंदू राष्ट्र क्यों चाहा कि किसी अकेले को घेर कर मार दिया जाए? ऐसा गुलाम मीडिया दिया जो सरकार से सवाल नहीं कर सकते? मगर यहाँ तो आपकी चौकियाँ लूट ली गईं और जिस पर लूटने का इल्जाम लगा उसने ही कह दिया वो चौकीदार है। तो भारत में अगर कोई पत्रकार लिख दे तो मानहानि कर देते थे। मैं तो सोच रहा था कि अडानी मानहानि एंटरप्राइजेस कंपनी का नाम बनाएंगे ये अलग। सिद्दीक कप्पन जिसने वो रिपोर्ट तक ना लिखी और उसे 28 से 18 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया, आज आप प्रश्न कर दीजिए तो आपको देशद्रोही कहा जाता है। आप प्रश्न ना कर सके चैनल खरीद लिया जाता है। आप प्रश्न ना कर सके 8 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते हैं। आपको लगे कि आप प्रश्न कर सकते हैं आपके सामने तो किसी एक्टर को कनाडा से ले आते हैं। जब 2014 के बाद नौजवान बहुत हमलावर हो गए, कहीं भी दौड़ पड़ते थे, दौड़ाने लग जाते थे, तो मुझे लगता था कि यही इन लड़कों में ये दुर्गुण कहाँ से आ गया। मतलब ठीक है, हर समय के नेता जनता को अलग तरीके से बांधने हांकने की कोशिश करते हैं, पर ये तो एक नेता के लिए पूरी जनता मुझे ही दौड़ाए जा रही है। तो बार बार मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा था और जो हज़ारों व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे उन सबको पढ़ते हुए लगा कि ये क्लिक क्यों कर रहा है, इसको लिखने वाला कौन है। तो मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो लिखने वाला है वो बहुत ही हाई क्वालिटी के ट्रेंड लोग हैं जो व्हाट्सएप लिख रहे थे, जो एक झूठ को इस तरह से, ऐतिहासिक झूठ को, धार्मिक झूठ को इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहा था कि उन लोगों को लग रहा था कि पहली बार उन्हें नॉलेज मिला है। और ये वही हुआ जिससे वो आक्रामक होते चले गए। जिस तरह से आप अपनी समझ को, आप अपने नॉलेज को प्रोटेक्ट करते हैं, गार्ड करते हैं, और आप अपने इथोस को गार्ड करते हैं जिसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि ये एक हमला है, उस तरह से उन नौजवानों को लगा कि ये हमारे इथोस पर कोई हमला कर रहा है। राजनीतिक रूप से वो आसान हो गया व्हाट्सएप के प्रसार के बाद कि वो इसके रक्षक बनकर किसी एक या दो व्यक्तियों को ट्रोल करें, पकड़ें। उसमें पैसे भी लगाए गए, पैसा भी खर्च किया गया, बहुत सारे लोकल स्तर पर गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन हुआ। वो बिल्कुल जो उसकी लिखावट, जो उसकी पेशगी है उस पूरे महिमा मंडन की, वो बहुत ही शानदार लेखों की तरह है। वो एक अजीब अजीब तरह के संदर्भों के साथ हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा कि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको ज़िंदगी में कुछ मिला हो या ना मिला हो, मिलेगा या ना मिलेगा, लेकिन ये बात तय है कि आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिली है। और जब देखने लगा तो पता चला कि कोई 3 साल से फंसा है, कोई 5 साल से फंसा है, किसी क्लास में एक ज़िले के कॉलेज में करीब करीब 5,000 छात्र छात्राएँ हिस्ट्री में एडमिशन उन्होंने लिया है, लेकिन कोई टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। तो 5,000 छात्र इतिहास के विद्यार्थी होकर भी इतिहास के एक शिक्षक के बगैर गुजर रहे हैं। वैसे जेएनयू में भी शिक्षक नहीं होंगे इतिहास डिपार्टमेंट में, पूरे तो नहीं होंगे, कुछ खाली होंगे जब यहाँ ये हाल है। तो उस ज्ञान की असमानता पर किसी का ध्यान नहीं था, क्लास के भीतर चैलेंज खत्म हो गया नॉलेज का। तो ये चीज मैं देख रहा था, तो मुझे लगा कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, इस पर बात करना। जब नौजवान आने लगे तो कहते थे कि हम चाहते हैं कि आप मुझ पे, हमारी यूनिवर्सिटी पे फोकस करें, पर हम मोदी समर्थक हैं और रहेंगे। तो हमने कहा आप जीवन भर रहे, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। अगर आपने राजनीतिक शादी कर ली है आप निभाइए उसे, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। आप मुझे बताइए कि अगर मैं ये बात उठाऊं तो क्या आप नहीं चाहेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, हम चाहते हैं कि हमें अच्छा शिक्षक मिले, हम चाहते हैं हमें अच्छी किताब मिले। तो उससे एक प्रेरणा मिली, उसके बदले में फीस मुझे भी दी गई कि वो नौजवान मोदी समर्थक बने रहे, पर उन्होंने मुझे गालियां देनी बंद कर दी या कम कर दी। तो वो एक अच्छा ट्रेड ऑफ था दोनों के बीच में। और इसका एक फ़ायदा तो हुआ, कई जगह सत्रों में करेक्शन आया, कई जगह शिक्षक बहाल किए गए, और कई जगह वाइस चांसलर ने भी माना कि हाँ ये एक बड़ी समस्या है। और कई जगहों पर आरएसएस के लोग हों या मोदी समर्थक लोग हों, उन्होंने भी इसे स्वीकार किया कि अगर हम किसी भी प्रकार का भारत चाहते हैं तो उस भारत में अच्छी शिक्षा व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। ये और बात है कि वो कर नहीं पा रहे हैं, उनकी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे बुनियादी समस्या के रूप में स्वीकार किया। तो इसका फायदा ये हुआ कि ये सबके लिए था और सबने इसे अलग अलग रूप से देखा। तो उस ताकत से मैं करता चला गया, क्योंकि मुझे उनके ही समर्थक आकर बताते हैं कि उनकी हालत खराब है, और वो ये भी बताते हैं कि वो पाला नहीं बदल सकते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं मैं क्या करूं, मैं भी बदल लूं पाला? तो कहते नहीं, आप उधर ही रहो, आप बोलते हो तो हमारा काम हो जाता है। और ये सच बात है कि वो आते हैं। देखिए, इस तमाम दावों के बीच में ये तो सरकार का ही आंकड़ा है
कि 25,000 रुपया आप महीना का कमा लें तो चोटी के 10% लोगों में आ जाते हैं। तो ये तो समृद्ध भारत नहीं हुआ ना। सरकार का ही आंकड़ा है कि 10,000 रुपया महीना कमाना इस देश में कितना मुश्किल है। जो ज़्यादातर नई नौकरियां दिख रही हैं वो डिलीवरी बॉयज की दिख रही हैं, पर उनकी सामाजिक सुरक्षा कितनी ख़राब है। आप उनको देखिए कि वो कम पैसे में दिन रात, उस वक्त में जब सड़क पर बाइक चलाने के लिए जगह नहीं है, उसी जैम के भीतर में उनके लिए एक रोजगार आया है। जो डिलीवरी कर रहे हैं घरों में, भाग रहे हैं, हाँफ रहे हैं, लेकिन महीने का 10,000 या 20,000 रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये जॉब क्रिएट किया है इन्होंने इनकी आर्थिक नीतियों में। हर साल उनकी ट्रिलियन इकोनॉमी के दावे बढ़ते चले जाते हैं और हर साल वो जो उनके पास दिखाने के लिए कुछ होता नहीं है तरक्की के नाम पे, तो यही दिखाते हैं कि $1 बिलियन का निवेश आया, पर ये नहीं बता पाते कि अदानी की कंपनी में जो निवेश आया वो मॉरिशस से कैसे आ गया, आया कि नहीं आया। हमको उन नीतियों की निरंतरता को तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उन नीतियों को बहुत साल दे दिए गए। हर दौर की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में भी और बीजेपी की भी सरकार में, करीब करीब 20-20 साल दे दिए गए। अगर आप वाजपेयी सरकार का भी मिला लें, मोदी सरकार का भी मिला लें, तो दोनों तरफ 15 से 20 साल का मिला के कोई 90 से लेकर अब तक कोई 30 साल से ज़्यादा का वक्त दे दिया गया। और इस वक्त उन नीतियों से ज़रूर समाज में कुछ समृद्धि आई है, कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अंत में जाकर यही दिखता है कि कोई 25,000 रुपया भी कमा नहीं पाता है। इन चीज़ों की बात आप कैसे करेंगे? अब मुश्किल ये है कि इन चीज़ों की बात करना भी सरकार के खिलाफ बात करना हो गया है। कोई भी बात आप करें तो उसकी डिज़ाइन ऐसे की जाती है कि आप सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो जनता के हक की बात है कि आखिर कब तक लोग 10,000 या 15,000 की नौकरी करने के योग्य होंगे। 2021 या 22 में तो ये डेटा है कि 12,000 से ज़्यादा बिजनेसमैन ने सुसाइड किया है। अदानी राष्ट्रवाद, एक नया राष्ट्रवाद आया है, अदानी नेशनलिज्म। हमसे पहले कहा गया कि आपको इंडिया को डिफेंड करना है, तो चलो भाई इंडिया को डिफेंड करते हैं, चाहे किसी भी वजह से करते हैं। अब कहा जा रहा है कि इंडिया को डिफेंड करना है तो पहले अदानी को डिफेंड करना पड़ेगा। तो वो सारे न्यूज़ चैनल कह रहे हैं कि भारत पर हमला हो गया है, पर वो सारे न्यूज़ चैनल तब तो नहीं कह रहे थे कि 12,000 इसी देश के बिजनेसमैन जब अलग अलग कारणों से बिजनेस डूबने के कारण सुसाइड कर रहे थे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सुसाइड करने वाले सारे कांग्रेस के वोटर होंगे या सारे कोई लेफ्ट के वोटर होंगे। उनके भी वोटर होंगे, उनके भी समर्थक रहे होंगे, पर ये कैसी राजनीति है कि उनकी पार्टी के व्यापार मंडल भी, व्यापार मोर्चा भी अपने कारोबारियों की आत्महत्या पर बोल नहीं पाया। आप सोचिए, आप तो फिर भी बोल रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक होने की कीमत कितनी बड़ी है कि उनकी बिरादरी के लोग सुसाइड कर रहे हैं। और कोई भी इस देश में बिजनेसमैन या बिजनेस का कोई भी संगठन ये बात कहने की हिम्मत नहीं रखता है कि इतने सारे व्यापारी, अगर आपकी नीतियां हैं, 20 लाख करोड़ के लोन की का ऐलान किया गया था कोरोना के समय, वो लोन किसको गया, कहां गया, कैसे बटा कि ये 12,000 लोगों को सुसाइड करनी पड़ी। तो आप अपनी बिरादरी के, अपने संगठन के सदस्यों के प्रति भी ईमानदार नहीं हो पाते हैं, उनके मरने पर भी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, तो ऐसा लोकतंत्र तो क्यों चाहिए? और इस लोकतंत्र का क्या करना है फिर? ये तो ये लोकतंत्र नहीं है ना कि आप उनके सपोर्टर हैं, उनके लिए चंदा जुटाते हैं, मगर आपका साथी उसको लोन नहीं मिला और वो सुसाइड करता, आप बोल नहीं पाते हैं, और फिर आपको अदानी के लिए झंडा लेकर निकलना पड़ता है, जो अदानी और जिनका जो साम्राज्य है एक दिन आपके ही बिजनेस को निकलने वाला है। और जो भी नेशनलिज्म का रूप होगा, कम से कम किसी भी नेशनलिज्म की परिभाषा में ये फिट नहीं बैठता है कि आप गौतम अदानी को डिफेंड करने जाएं। किसी भी नेशनलिज्म की परिभाषा में नहीं फिट बैठता है। आप नेशनलिज्म की परिभाषा से उससे प्रेरित होकर उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हैं, इतिहास में लोगों ने किया है, नए नए ब्रांड बनाए हैं और वो सारे ब्रांड देश और देश के राष्ट्रवाद की पहचान भी बने हैं, लेकिन गौतम अदानी कहीं से भी इस देश की पहचान नहीं है। एक छोटी सी रिपोर्ट से आप देखिए उनका साम्राज्य ढह गया, एक छोटी सी रिपोर्ट से ना। वरना तो भारत में अगर कोई पत्रकार लिख दे तो मानहानि कर देते थे। मैं तो सोच रहा था कि अदानी मानहानि एंटरप्राइजेस कंपनी का नाम बनाएंगे ही अलग। अब अगर इन्हें अगर मानहानि करनी होगी तो एक कंपनी बनानी होगी, एक सीईओ मानहानि, सीईओ डिफेमेशन रखना होगा, जो तमाम तरह के पत्रकारों को मानहानि के दायरे में लाता रहेगा, केस करता रहेगा। तो हम सबको इन सब आर्थिक असमानताओं को और ज्ञान की असमानता को मुझे लगता है कि सबसे ऊपर रखने की जरूरत है। उसके बाद
आर्थिक असमानता है और उसके साथ साथ सामाजिक असमानता भी है, वो उस असमानता के दायरे में है। लेकिन ज्ञान की असमानता के मारे तो हमारे वही लोग ज्यादा हैं जो सामाजिक असमानता का दंश झेल रहे हैं। तो इन तीनों असमानताओं की पहचान करें और कोई रास्ता निकाले। अब तो आप कोई भी बात कहिए तो आपका जब देशद्रोही का टैग है तो वो लग जाता है। तो मैं सोचता हूँ देशद्रोही कौन होता है? देशद्रोही हमेशा जो वही होते हैं जो सत्ता में होते हैं, क्योंकि जनता में जो होता है वो विद्रोही होता है। तो ये जो देशद्रोही लोग हैं ये संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान का उल्लंघन करते हैं, फर्जी UAPA लगा देंगे, फर्जी NSA लगा देंगे, तो इनसे बड़ा तो कोई देशद्रोही नहीं हुआ ना। आम जनता ने तो अपनी सामाजिक आर्थिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए शपथ नहीं ली है, वो संविधान की बदौलत उसका नागरिक जरूर है, पर ये तो जब जिस दफ्तर में जाते हैं बाकायदा उस किताब की शपथ लेते हैं और ठीक उसका उल्लंघन करते हैं। नागरिक हम नहीं हैं। नागरिक अगर हम होते तो एक नागरिकता के आधार पर दूसरे नागरिक के साथ हो रही गलतियों को, ज्यादतियों को हम महसूस करते। हम सामाजिक जरूर हैं, हम पारिवारिक बहुत ज्यादा हैं, तो अपने परिवार में कोई बीमार होता है तो हम बहुत चिंतित होते हैं। अपने देश में किसी को अवैध रूप से सिद्दीक कप्पन, जिसने वो रिपोर्ट तक ना लिखी और उसे 28 से 18 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया, हम उसके दर्द को महसूस भी नहीं करते हैं। यह इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे भीतर नागरिकता नहीं है, हमारे भीतर संविधान आधारित राष्ट्र नहीं है, हमारे भीतर संविधान आधारित सेक्युलर समझ नहीं है। हमने सेक्युलरिज्म को हमेशा धर्म के कॉन्टेक्स्ट में समझा है, हमने सेक्युलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के रूप में नहीं समझा। संविधान ने बाद में इसे जोड़ा गया या नहीं जोड़ा गया, संविधान अपने तमाम अधिकारों से और अपने तमाम बिंदुओं से हम सबको यही कर्तव्य दिया कि आप एक दूसरे के लिए महसूस करेंगे, एक दूसरे के लिए सुरक्षा चौकीदार बनने का काम करेंगे। मगर यहां तो आपकी चौकियां लूट ली गईं और जिस पर लूटने का इल्जाम लगा उसने ही कह दिया वो चौकीदार है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में ये बहस चलती रहनी चाहिए। ये मैं इसमें लेकर मैं अपने तौर पर बहुत स्पष्ट हूँ कि हिंदू राष्ट्र भी होगा तो क्या उसमें कोई जज इतना डरपोक होगा कि बेल नहीं देगा? तब तो हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र भी नहीं चाहिए। जो लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना में दिन रात खपाए बैठे हैं, मैं उन्हीं को बुलाकर पूछना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा हिंदू राष्ट्र क्यों चाहा कि जहाँ एक जज इंसाफ ना कर सके? तुमने ऐसा हिंदू राष्ट्र क्यों चाहा कि किसी अकेले को घेर कर मार दिया जाए? क्या तुमने इसके लिए हिंदू राष्ट्र चाहा? अगर आपको इतिहास में मौका मिला ये बनाने के लिए, तो क्या आपने ये उत्तम आदर्श प्रस्तुत किया कि आप गौतम अदाणी को लेकर सवाल उठा तो आप बोल नहीं पाए? क्या आप हिंदू धर्म का ये कमजोर चेहरा देखना चाहते हैं? तो क्या ये हिंदू राष्ट्र के अगर सबसे बड़े नायक हैं तो क्या ये उनका किरदार है कि जब आरोप लगे तो आप जावेद अख्तर का डायलॉग चुराकर बोलते हैं जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ? तो ये क्या किरदार? तो हम किसी भी तरीके से हिंदू राष्ट्र का कोई शिखर नहीं देख रहे हैं। अगर ये सपना था जिस सपने को लेकर 100 साल चले हैं तो हम उन्हीं की बात करते हैं। आपने ये दिखाया हमें कि आपने एक ऐसा अपना श्रेष्ठ नेता दिया जो अदाणी का नाम लेकर नहीं बोल सकता है? इतना ही कहा जा सकता था कि जांच होगी, आप जांच पर भरोसा कीजिए, पर तब तक आप नहीं कह सके। आप लगे सरकारी योजनाओं का पैम्फलेट पढ़ने के लिए, वो तो हम सब जानते हैं आपकी योजनाओं के बारे में, कौन नहीं जानता है। तो अगर आप किसी धर्म के बारे में, अब 8 साल हो गए तो आप बताइए कि उस धर्म की संकल्पना के हिसाब से आपने क्या दिया? ये ऐसा गुलाम मीडिया दिया जो सरकार से सवाल नहीं कर सकते? अगर आप हिंदू राष्ट्र में यकीन ही करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके श्रेष्ठ नागरिक हैं, है कि नहीं? लेकिन वो तो 8 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके। तो हिंदू धर्म तो सबसे खुला धर्म है। आप कहीं से कोई आ जाइए, एक संप्रदाय बना लीजिए, एक देवता ले आइए, सब कहेंगे हमें स्वीकार है, ले आइए इनको भी। आप इसे बगावत करके कोई संप्रदाय बनाना चाहते हैं बना लीजिए, वो भी स्वीकार है, वो चल रहा है इतने हजारों साल की परंपराओं से। जो भी आदर्श कायम करने की संभावना है वो एक सेक्युलर राष्ट्र में ही है, वो एक संवैधानिक राष्ट्र में ही है जहां सबको बराबर का अधिकार मिलता है, जहां किसी पे फर्जी मुकदमे नहीं डाले जाते हैं। आप हर चीज का पहले का उदाहरण दे देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आपने कौन सा आदर्श प्रस्तुत किया तो ये बता दीजिए, ताकि हम भी उसको देखें, जो उसके आलोचक हैं वो भी देखें कि हाँ भाई ये कुछ श्रेष्ठ चीजें ले आए हैं हिंदू धर्म के नाम पर। आप तो उसका मेयार छोटा कर रहे हैं। जिस धर्म ने धर्म के भीतर धर्म के इतने बड़े बड़े आलोचक दिए हों, जिसकी बुराइयों को लेकर आज तक आंदोलन चल रहा है, चला ही है ना, जाति प्रथा को लेकर आंदोलन तो चल ही रहा है ना और चलता ही रहेगा। कौन लाया आप इस पे चले जाए, आधे अधूरे तरीके से बात करते हैं।
पर उसको प्रिजर्व करने वाली संस्थाओं के साथ आप ही उठते बैठते हैं। इसी धर्म में प्रश्नोपनिषद है कि नहीं है? है ना। लेकिन आज आप प्रश्न कर दीजिए तो आपको देशद्रोही कहा जाता है। आप प्रश्न ना कर सके चैनल खरीद लिया जाता है। आप प्रश्न ना कर सके 8 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते हैं। आपको लगे कि आप प्रश्न कर सकते हैं, आपके सामने तो किसी एक्टर को कनाडा से ले आते हैं। तो कम से कम आप प्रश्नोपनिषद के प्रति भी ईमानदार नहीं है। तो धर्म के आधार पर राष्ट्र की कोई भी कल्पना बेईमानों को बेईमानी से बचाने की संकल्पना है। इसीलिए सेक्युलर राष्ट्र बहुत जरूरी है।